Force Edge, nous entrons dans une nouvelle ère. अगर Force Edge बंद हो गया तो, अगर हम जो काम करने वाले हैं Force Edge, जिसका नाम है Force Edge, वो बंद हो गया तो, आप जो हमें बता रहे हो Force Edge करने के लिए, क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि Force Edge बंद हो गया तो, हम क्यों विश्वास करें कि Force Edge बंद नहीं होगा? आज तक ऐसा जो भी प्लान आया है दुनिया में वो सब बंद हो गया है, तो क्या Force Edge बंद नहीं होगा? आप मजाक कर रहे हैं हमारे साथ? अगर बंद हो गया तो, ये जो अगर 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 ये जो अगर है, जब आप किसी को ज्वाइन करवाने चाहते हो और उसको बताते हो Force Edge के बारे में, और आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि अगर Force Edge बंद हो गया तो, अगर आपको इसका जवाब चाहिए या फिर उस इंसान को अगर आपको जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है, तो इस वीडियो को कम से कम 4 से 5 मिनट ध्यान से सुने और उस इंसान को भी जरूर शेयर करें जो ये बात बोलता है कि Force Edge बंद हो गया तो. इससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस मायसेल्फ. I am also a YouTuber and doing business on the most professional platform, that is Force Edge. And within 2 months, I earned 95,000 plus. मैंने 2 महीने के अंदर इस प्लेटफॉर्म से Force Edge से 95,000 यानी 95,000 से ज़्यादा यहाँ से कमाए हैं, और सिर्फ कुछ ही रह चुके हैं और मेरा 1,00,000 प्लस हो जाएगा. मेरा जो सपना था कि 18 साल से पहले 1,00,000 की इनकम लेना, वो यहाँ पे पूरा होने वाला है. बस आप लोग का आशीर्वाद साथ में, आप लोग और साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे, कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा फोड़ेंगे. तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ कि अगर Force Edge बंद हो गया तो, फर्स्ट पॉइंट आपको बताना चाहूंगी कि Force Edge बंद क्यों नहीं हो सकता. क्या आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है? फर्स्ट पॉइंट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्या आपने सुना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? नहीं सुना, कोई बात नहीं, अब सुन लीजिए. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आता है ब्लॉक चेन, यानी डिब्बों का चेन, यानी कनेक्शन. दुनिया में जितने ज्यादा लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स के सब है ना, उन सब का इनकोडेड फाउंडेशन होता है. इतने कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स में से अगर एक भी टेक्नोलॉजी, एक भी कोई मोबाइल फोन या कुछ खराब हो जाए ना, तो आपका डेटा इधर से इधर नहीं होने वाला. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई मालिक नहीं रहता है. अगर किसी भी सिस्टम को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डाल दिया जाए तो वहाँ पे कोई अब मालिक नहीं रहने वाला. वैसे ही Force Edge को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डाल दिया गया है, इसलिए इसका कोई मालिक नहीं है, कोई ओनर नहीं है, कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और ना ही यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो Force Edge को बदल दे, चेंज कर दे. क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक बार जो चीज फिट कर दी जाती है, वो चीज कभी इधर से उधर की नहीं जाती. और कोई चाह कर भी आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका पैसा इधर से उधर करने नहीं वाला, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है भाई. हम लोग तो नॉर्मल इंसान है, कॉमन पीपल है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, सोच रहे हैं कि इस पे काम करते हैं. कई लोग तो बोल रहे हैं कि ये फ्रॉड ही है. जानिए मोदी जी का क्या ख्याल है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में. वो तो अपनी सरकार को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डालने की बात कर रहे हैं. चलिए थोड़ा झलक देख साथियों, ये इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन. ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है. इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है, और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है. सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है. यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है. इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी यहाँ पे हमने जाना कि Force Edge क्यों बंद नहीं होगा. पहला पॉइंट, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं. बढ़ते हैं आगे दूसरे पॉइंट की तरफ. Force Edge क्यों बंद नहीं होगा? क्योंकि ये बाइनेंस के साथ कनेक्टेड है. बाइनेंस, बाइनेंस क्या होता है हमें तो पता ही नहीं है. सही जगह पर आए हो, मैं बताती हूँ. बाइनेंस जो पूरे वर्ल्ड में, पूरी धरती में, पूरे दुनिया में एक ऐसा एक्सचेंजर जो एक करेंसी को दूसरे करेंसी में एक्सचेंज करता है, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में बदलता है, उसका नाम है बाइनेंस. बहुत से एक्सचेंजर्स है दुनिया में, लेकिन बाइनेंस नंबर वन आता है. ये इंटरनेशनली चलता है. दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी इंसान बाइनेंस को यूज कर सकता है बहुत ही आसान तरीके से. और ये बाइनेंस
पूरे वर्ल्ड में टॉप वन नंबर पे आता है, सबसे ऊपर नंबर पे आता है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया एक्सचेंजर है और ये हमारे फोर्साज के साथ कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। बाइनेंस का एक आइटम समझ लीजिए जिसे हम लोग कहते हैं स्मार्ट चेन। बाइनेंस का एक आइटम जिसे हम लोग कहते हैं स्मार्ट चेन, ये हमारे फोर्साज का ये जो प्रोजेक्ट है BUSD वाला, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ, जिसपे मैंने काम करके 95,000 रुपये कमाए हैं, वो उसके साथ कनेक्टेड है। अगर बाइनेंस का वो आइटम जिसका नाम स्मार्ट चेन है, वो अगर इस प्रोजेक्ट में यूज नहीं किया गया, जब तक आपके पास वो स्मार्ट चेन नहीं रहेगा, तब तक आप कोई काम नहीं करोगे। भले ही आपके पास लाख डॉलर्स क्यों ना आ जाए, लेकिन जब तक स्मार्ट चेन नहीं, तब तक वो डॉलर्स का कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए स्मार्ट चेन जरूरी है। और सोचिए, वर्ल्ड का नंबर वन एक्सचेंजर जो इतना उच्च लेवल पे है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री हमारे फोर्साज के प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ तक कि उसका एक आइटम यानी स्मार्ट चेन के बिना यहाँ पे हमारा एक काम नहीं होता। आपको लगता है कि कभी फोर्साज बंद होगा? कभी नहीं बंद होने वाला। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है हमारा इंटरनेट। जब तक इंटरनेट इस दुनिया में है, तब तक फोर्साज है, उसके बाद फोर्साज नहीं रहेगा। आपको लगता है कभी इंटरनेट यहाँ से खत्म होने वाला है? आपको मैं बता दूं, हाँ, एक बात यहाँ पे आती है कि अगर इंटरनेट खत्म हो तो रील्स कैसे देखेंगे? आजकल रील्स बहुत चली हुई है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे सारे सिर्फ रील्स देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं। अगर नेट बंद हो गया तो कैसे देखेंगे? इंटरनेट बंद हो गया तो रील्स कैसे देखेंगे? एंटरटेनमेंट कैसे होगा? साथ ही साथ अगर इंटरनेट बंद हो गया ना, तो सरकार को एक दिन में 24 घंटे के अंदर कम से कम लाखों करोड़ों बिलियन ट्रिलियन का नुकसान होने वाला है। और ये लाखों करोड़ों बिलियन ट्रिलियन का ये जो नुकसान है, अरबों खरबों का नुकसान है, ये कोई भी सरकार अपने ऊपर झेल नहीं सकता। इसे कवर नहीं कर सकता, इसको मेकअप नहीं कर सकता, इसीलिए वो कभी इंटरनेट बंद करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। और आजकल तो 21st सेंचुरी से तो और कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी ऊपर हाई लेवल तक जाते जा रहा है। कार्स आने वाली हैं बिना ड्राइवर वाली, अपने आप चलेंगी, ऑटोमेटिक, कितना कुछ आने वाला है। ये सब टेक्नोलॉजी तो है। इंटरनेट कभी बंद नहीं होने वाला, तब तक फोर्साज भी कभी बंद नहीं होने वाला। यानी फोर्साज हमारा लाइफ लॉन्ग बिजनेस है। हम आगे आने वाली अपनी जनरेशंस को भी फोर्साज कराएंगे, बहुत ऊपर तक लेकर जाएंगे। ये कुछ पॉइंट्स है जिससे पता चलता है कि फोर्साज कभी बंद नहीं होगा। और अच्छे वीडियोस के साथ और कुछ नॉलेज के साथ मैं साक्षी राजपूत दोबारा आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल एंड मूव फास्ट। करना है कुछ बड़ा काम तो लेना होगा टीनेज प्लानर का नाम। बाय।